ये भोकिया ढोकिया कहाँ रह गए? इन लोग का ना हमेशा का ऐसी रहते है, जब भी छूटता हूँ जब भी लेट आते। ए होल्डर, ए बीड़ी है क्या? अरे तुझे खुजली तो नहीं है ना? है खुजली पर कान में नहीं है। अरे रेंदे रेंदे बस कर यार। अरे क्या छोटू भाई, तुम जेल से छूट के आ गए भाई। अरे क्या भाई, जब से तुम गए एकदम कड़की हो गई, क्या बताना खाने पीने के वांदे हो गए भाई। अरे इतना लेट कोई आता है क्या? हाँ लोग ढोल बाजा लेके आते और तुम मिठाई भी नहीं लाए। अरे भाई क्या बताना तुमको, पैदल चल के आए ना, खर्चे के वांदे हो गए, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं, भूख से हमारी जान जा रही जब से तुम अंदर गए भाई। हाँ ना भाई, बहुत वांदे हो गए। क्या रे बोकिया, बोलने ढोकिया, तुम शहर से गांव में क्यों आए? ये तो हमारे छोटू उस्ताद को मालूम कि हम शहर से गांव में क्यों आए, वही आगे बताएंगे। और सुन, तूने पेट भर के खाना खाया ना? बहुत दिन के बाद उस्ताद ने अपने को पेट भर के खाना खिलाए। अरे एड़े बावले, इतना बड़ा डोका लेके डोकिया बोलते ना, देखू तो जरा सोच। उस्ताद जो है ना, कितने दिन से जेल में बंद था, वो गया फिरेश होने को। फिरेश सुरेश बन के हीरो बन के आएगा ना अपना छोटू उस्ताद। अबे डोकिया, अपने उस्ताद सूट वूट पहन के चश्मा लगा के आएंगे। आएंगे नहीं, आ गए। पापड़ बंद करो। अरे जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। अरे उस्ताद, तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता ना, अब तुम्हारे दिमाग से बताओ हमको क्या करने का, क्योंकि तुम हमारे उस्ताद है। अरे मुजरा करो मुजरा। अरे भोकिया ढोकिया, जब मैं जेल में था ना, तो मेरे को एक गुरुजी मिले, और वो गुरुजी ने बोले कि ना तीन चीज में बहुत पैसा है, दादागिरी, नेतागिरी और बाबागिरी। के ना ये तीन चीज में बहुत पैसा है, और अपुन ने दादागिरी तो बहुत कर ली है, नेतागिरी अपने को पसंद नहीं है, अब बचा बाबागिरी। अपुन बाबागिरी करेंगे और उसमें पैसा बहुत है। छोटू मुंबईया का एक सपना है के ना उसकी छोटी सी होटल हो, और वो छोटी सी होटल में बड़े बड़े ग्राहक हो। क्या बात है भाई, सही बोले उस्ताद, लोभी दुनिया में लबाड़ भुक्का नहीं मरता। अरे उस्ताद, अपुन शहर छोड़ के गांव में क्यों आए? अरे पागल लोग, अपुन गांव इसीलिए आए क्योंकि शहर में ना अपने से भी बड़े बड़े डाकू लोग हैं। सही बोले उस्ताद। क्या लग रहे हो छोटू भाई, एकदम बाबा दिख रहे। छोटू दादा तो दादागिरी में भी दादा दिखता था, और बाबागिरी में पूरे बाबा दिख रहे छोटू उस्ताद तुम्हारे। बस अब अपुन गिराइक देखते, कोई गिराइक आ जाए। वो देख आया 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 बाबा, वो बाइक पे आ रहा और बहुत बड़ी आसामी दिख रहा। अपने पास वो कल भी आया था। आजा मासूम, आजा बच्चा, आजा मासूम, आजा बच्चा। बाबा बैठ जा बच्चा, भाग चल भाग चल भाग चल कपड़ा। बाबा चुप बैठ रे चुप, अरे मैं डर जाऊंगा ना रे। क्या परेशानी है बच्चा? वही क्या, तू क्या रो जाते क्या यहाँ पे? अरे बाबा, इसको है ना बैठे बैठे झटके आते, अजीब गरीब हरकत कर रही। मैंने बहुत लोगों को बताया बाबा, पर इसका भूत किले ने निकाला, खाली मेरे से पैसे निकाला, देखो बाबा देखो। अरे बाप, बाबा कभी कभी ना पलंग पे से उठा के ऐसा पटक देती कपड़े के जैसा। हो जाएगा मासूम, लेकिन उसके लिए खर्चा लगेगा। अरे बाबा तुम पैसे की चिंता मत करो, जितना रुपया लगेगा ना मैं दूंगा, पर बाबा इसका भूत निकाल दो। घबरा मत बच्चा, हम है तो क्या गम है, बाबा भी बहुत गम है, सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम है तेरा, क्या नाम है? कटरीना कैफ। ये नहीं पहचाना, मैं भी सलमान खान हूँ। अरे बाबा है ना, तू काहे को झूठ बोल रहा? अरे तो तेरी औरत कौन सा सच बोल रही, वो भी तो झूठ बोल रही ना। अरे बाबा वो सब जान दो, पर इसका भूत निकाल दो। मंडोले तंडोले दूधो के चापी ले, निकल जा आ जा बाहर आ जा। आ! आ!
काला वो मैंने क्या किया, वो बच्चे की जान लेके क्या, वो काला माफ कर दो, वो तुम्हारा दूल्हे ने लाया ना, मेरी कुछ गलती नहीं है, वो काला वो तुम्हारा दूल्हा भाग गया, देखो हड़प हड़प, अरे हड़प तेरा दूल्हे को हड़प, तेरे को तू हड़प रही, अब बता ना तेरे को। क्या रे इसका दूल्हा का भाग गया? अरे उस्ताद का दूल्हा भी भाग गया, अपना बोके भी भाग गया। ए बोकिया आजा। क्या रे इसके आँख में तो अभी भूत था, क्या गया वो भूत? बाबा मुझे तुम लोगों से कुछ बात करने की है। आ जा मासूम, बैठ जा। आइए आइए। आ जा। क्या हुआ बाबा इसको? क्या हुआ? अरे ये पूछ क्या हो जाता? इसके अंदर जो डॉन है ना अंडरवर्ल्ड, वो तुझे भी मारता, मुझे भी मारता और इसको भी मारता। की बात को बोला हूँ, मेरा फोन मत उठाया कर, दे इधर फोन। मर गई वो? ठीक है माल लेके आ जा। बाबा तो फिर इसका कोई हाल होगा ना? हाल है बच्चा, जभी तो मैं तेरे पास आ रहा हूँ। ये वो क्या, वो पुतला दे। हाँ बाबा दे रहा हूँ, ये लो। हाँ बाबा बोलो। मैं जानता हूँ बच्चा, तूने जो अभी मेरा फोन सुना, मैं एक का काम बजा चुका हूँ, दूसरा नंबर तेरा ही है। अरे बाबा मेरा नहीं। अरे तेरा नहीं रे बच्चा, तेरी बीवी का। बाबा अगर तुमने मेरा काम कर दिया ना तो मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा। लेना वो। और तो और बाबा मैं है ना, मेरी खुशी से तुमको है ना तुम्हारे माप के इलेक्ट्रॉनिक कार भी दिला के दूंगा बाबा। हो जाएंगे ना बाबा? ये काम तूने बड़ा अच्छा किया, मेरे को एक कार दिला देना, लेकिन हाँ मेरे माप की दिलाना। हाँ मैं तुम्हारे माप की दिलाऊंगा। हाँ। और अभी मुझे पढ़ाई करना है, और ये जो पुतला है ना इसमें तेरी बीवी की आत्मा डालना है, और हाँ कल के अखबार में पढ़ लेना। क्या बात कर रहे हो बाबा? बाकी बाबा एक बात बोलता है मैं, तुम्हारे और मेरे बीच में रखना है बाबा, पर मेरी एक शर्त है। अब क्या शर्त है बाबा? तुझे पेपर पे लिख के देना पड़ेगा कि ये काम तेरी जिम्मेदारी से हो रहा है, नहीं तो कल को तू आके अगर मेरे ऊपर केस ठोकेगा कि मैंने मार दिया तो। ऐसा नहीं होगा बाबा, पर बाबा मैं तो अनपढ़ है। अरे बच्चा पढ़े लिखे मेरे पास बहुत है, खाली तो को अंगूठा लगाने का है। चलेगा बाबा, पर मेरा काम हो जाएगा ना बाबा? 101% हो जाएगा बच्चा। पक्का? हो जाएगा। चलो आज छोड़ बच्चा, इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरे साथ है। ये डोकिया जा इसके साथ स्टम्प पेपर पे इसका अंगूठा ले ले। अरे चुप, छोटू मुंबईया नाम है मेरा, तुम जैसे आईडी नहीं हो, इतने में 5 मिनट लगाते। ओ डोकिया भाई मेरा काम हो जाएगा ना? अरे मुन्ना भाई तुम टेंशन मत लो, नाम बोले तो छोटू मुंबईया हो गया काम तुम्हारा, हो जाएंगे ना। चलो चलो। ए डोकिया काम हो गया? हो गया। जा बच्चा कल आना और साथ में लेके आना। ठीक है बाबा। बाबा एक मिनट जरा इसको यही बिठा के रखो, मैं फोन पर बात करके आता है। हेलो जानू। अरे जानू अपने रास्ते का काटा साफ हो गया। हाँ मैंने छोटू मुंबईया बाबा है ना उसको पैसे देके काम करा लिया, अब कल मेरे को और तेरे को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ चल फोन रखता हूँ।
ठीक है पापा, मैं कल आता हूँ। पापा कल जरूर आना बच्चा, और जरा संभाल के ले जा। हाँ पापा चल। हाँ दिखे बाबा। हाँ जल्दी आ, इतना उतावला मत हो। हेलो बाबा। अरे भाई गिन लो क्या? अरे गिन मत, कल ही देख ले 5 लाख। ठीक है सेव हो गया, चल। बाबा मेरा काम हो गया? अरे तेरे ही तो काम करने का था, पक्का भान काम हुआ। मतलब मेरी औरत मर गई? अरे हम बाबा लोग मारने का काम नहीं करते, बचाने का काम करते। वो देखो आ रही। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? अरे मैंने तुमको मेरी औरत को मारने के पैसे दिया था, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करे बाबा। अरे तो तूने अपनी औरत के साथ कौन सा वफादारी करा? अरे तूने अपने बच्चों के पैसे एक गैर औरत पे उड़ाए, वो भी नाचने वाली पे। पर बाबा ये सब बात तुमको कैसे मालूम? अरे अरे बावले याद कर उस दिन। मतलब इसका कि तुमने दोनों ने मिलकर मेरे साथ गेम करे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पहला झटका है। रुक अभी, डोकिया और बोकिया नोटरी के पेपर रेडी हुए क्या? हाँ भाई। अब जिसके नाम पे पेपर है ना उसको बुलाओ। वारी भाई। लो काला, तुम्हारे नाम पे पेपर हो गए घर के। तू भी मेरे को धोखा दे रही? तो तुमने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है? अरे अभी तो तेरे को तीसरा झटका देना बाकी है। तेरी वो जो है ना चम्मच छल्लो जिस पे तू पैसे लुटाता है, लगा अब उसको फोन। मतलब हेलो आ जानू मैं मुन्ना दादा। अरे मैं मुन्ना दादा, मुन्ना दादा क्या पुलिस को? अरे बाबू साली को मैंने कार दिलाया, बंगला दिलाया, बैंक बैलेंस दिया। अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को पहचानने से इनकार कर रही। मुन्ना अब तो तेरी इज्जत भी गई, दौलत भी गई, और बीवी बच्चे भी गए, और मैं जिस पे घमंड करता था वो भी गई। मुन्ना अब तो तू धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। चल मुन्ना खुदकुशी कर ले। अरे नहीं नहीं मुझे हाथ मत लगा जानू, मुझे हाथ मत लगा, मैं तेरे लायक हूँ ही नहीं, मर जाने दे मुझे, मर जाने दे। ऐसा मत करो मुन्ना, उठो उठो। मैंने तुझे बहुत धोखा दिया मेरी जान, मुझे माफ कर दे। तुम जैसे भी हो मेरे शोहर हो। मैंने तो ये सब सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, और इन सब ने मेरा साथ दिया था। जान दो काला, सुबह का बुला शाम को घर आता तो उसे भुला नहीं कहते। वैसे भी मुन्ना की आंखें खुल गई, हमको हमारे 5 लाख मिल गए। अब छोटू की छोटी सी होटल खोलूंगा, चलो रे डोकिया बोकिया। अरे रुक जाओ छोटू भाई, छोटू की छोटी होटल नहीं बड़ी होटल खोलेंगे अब हम। हाँ दोस्तों, हमने ये वीडियो आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करो, अच्छी अच्छी कमेंट करो, और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।